बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू, इसके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स चुना है उसका लेवल आप लोग को दिखाऊंगा। तो उसका लेवल देखूंगा, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा और कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा, कुछ स्ट्रैटेजी जो है जो बनाया रहा है उसको क्या क्या कौन सा स्टॉक्स में वो बना है वो भी दिखाऊंगा और कैंडलस्टिक पैटर्न और फिबोनाची लेवल को आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और ये जो बाय सेल लेवल है ये इसका व्यू भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और इसका जो बहुत सारा चार्ट का सेटअप है और स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप लोग को प्रॉफिट दे सकता है और स्टॉक्स चुनने से भी बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है। तो उसको उधर आप लोग को सब्सक्राइब कर दीजिए तो उधर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैंने बाय सेल लेवल स्किनर का और बाय सेल लेवल 3 दो फाइल बनाता हूँ और इसमें क्या क्या है और क्या क्या कैसे स्किनिंग करना है वो आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए। इधर बाय सेल लेवल 1, 2, 3 रहता है और बहुत सारा स्किनर है और इधर इनसाइड द बॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है और 100 डे ईमेज स्ट्रेटजी और बाय सेल लेवल 3 भी रहता है। तो ये इसका इसमें इसका स्क्रीनिंग करने का कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो, उसका लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकता है, उधर आप लोग को फ्री ट्रायल के लिए कुछ दिन आप लोग इधर फाइल पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ उसका लिंक भी दिया जाएगा और इसका वीडियो डाउनलोड करने का ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक वो भी दिया जाएगा और बहुत सारा वीडियोस है यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो भी आप लोग देख सकता है। तो आप लोग को इधर से मिल जाएगा। तो मैंने इधर बाय सेल लेवल दिखाऊंगा, उसके पहले मैंने बाय सेल लेवल फाइल बनाया था, बाय सेल लेवल कैसे परफॉर्म किया उसका फाइल बनाया था लेकिन उधर साउंड नहीं था और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है उधर भी साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और कुछ बाकी भी रह गया था दिखाने का। तो उसको मैंने आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने फिबोनाची लेवल 7 डेज 5 डेज 3 डेज 2 डेज 1 डेज और का हिसाब से कल बनाया था और आज भी और कुछ मिल 30 डेज 15 डेज और 1 ईयर का हिसाब से भी आज बना लिया। तो इसका यूटिलिटी कैसा है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है और कैसे बढ़िया तरीका से ये काम करता है तो वो भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद कैसे परफॉर्मेंस वाला वीडियोस और जो आज का जो लेवल है वो भी आज का दिखा दूंगा। तो देखिए इधर चूज लीजिए, मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लेता है, इधर से जो ट्रू दिखा रहा है वो उसका मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लेता है, सोच लीजिए एसीसी का मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ। और देखिए इधर मैंने वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज और ट्रेडेड वॉल्यूम रखा है, इधर मतलब वोलेटिलिटी 2 के ऊपर डिलीवरी परसेंटेज 20 के नीचे और ट्रेडेड वॉल्यूम एटलीस्ट 5 लाख से 2 या 10 लाख से ऊपर रहेगा तो उसका उस स्टॉक्स चुनेंगे तो आप लोग और भी अच्छी तरह मूवमेंट अच्छा मिलेगा। तो मैंने एसीसी को देख लेता हूँ एक बार, मैंने ऐसे ही कुछ भी देख लेता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए तो और इसका समझाने के लिए, मतलब ये वेरियस टाइम फ्रेम में जब फिबोनाची का पिवट पॉइंट का ऊपर है या नीचे है और फिबोनाची लेवल जब आएगा तो कितना अच्छा खासा मूवमेंट देता है वही आप लोग को दिखाने के लिए ये समझाने के लिए आप लोग को ये करता बोलता हूँ, ये दिखाता हूँ आप लोग को कैसे। देखिए एसीसी का जो ओपन हुआ था 1662 पे ओपन होने के बाद 1669 उसका एक ही बारी मतलब ओपन होने के साथ ही ये फॉर्म हो गया, मतलब मूवमेंट हो गया था, इसका आप लोग पकड़ नहीं पाते थे। उसके बाद से आप लोग को पहले 7 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन 1 डे का हिसाब से आप लोग को बाय सेल लेवल दोनों का ही लेवल देखना है, पहले देखना है आप लोग को देख लेना है पिवट पॉइंट का ऊपर है या पिवट पॉइंट का। देखिए इधर मैंने रखा है पिवट पॉइंट का ऊपर और जो मतलब एंट्री पॉइंट जो है उसका अंदर जो रहे ये पिवट पॉइंट और एंट्री पॉइंट का जो आप लोग को इधर 2 देखेगा जो पिवट पॉइंट और सेल का पिवट पॉइंट का नीचे जो है और सेल साइड में जो है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। तो ये जब पिवट पॉइंट का ऊपर दिख रहा है आप लोग को बाय साइड एक बार देख सकता है लेकिन बाय साइड में ये जब नहीं आएगा तो आप लोग सेल का साइड आप लोग देखेंगे। तो देखिए जब ये 1472 के ऊपर है, 1472 के ऊपर था वो काल का लेवल,
तो इधर कल का लेवल जो ऊपर था 1472, तो आज तो पिवट पॉइंट का नीचे आ गया, तो उधर अब लोग को सेल का लेवल देखना चाहिए। जो 1400 फर्स्ट लेवल था 1496, इधर बाई का लेवल, और 1496 वाल का एंट्री लेवल था, और 1447 सेल का एंट्री लेवल था। तो इधर देखिए 1496 तो गया नहीं पाया, तो उधर इसीलिए आप लोग को सेल का एंट्री लेवल देखना चाहिए। देखिए 1447 के नीचे जो ये आया था, ये 1430 तक एकदम बिल्कुल आ गया था। देखिए इधर ऊपर ही नहीं जा गया पाया, ये पूरा 1430 तक ये आ गया था, पूरा दिन ये 14 नीचे आ गया था। तो देखते हैं 1430 तक जब आप लोग को इस इधर का ये 7 डेज का हिसाब से ये लेवल दिखा रहा था, उससे आप लोग को इस लेवल को 5 डेज का हिसाब से देखिए 1496 या 1447 दिखा रहा है। उसके बाद 3 डेज का हिसाब से 1496 1447 वो भी दिख रहा है, 2 डेज का हिसाब से वो भी 1447 इधर 1450 दिखा रहा है। तो आप लोग 1450 से भी पकड़ सकते थे, और इधर 1 डेज का हिसाब से 1489, और इधर 1469, इधर 1469 का नीचे ही आप लोग सेल कर सकते थे इसको। तो इधर 1679 का उसका आप लोग को टारगेट भी देख लेना चाहिए कि कैसे इसको मतलब टारगेट आ रहा है, कौन सा नज़दीक टारगेट है और कौन सा टारगेट है। तो आप लोग इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा खासा रहा है, करेक्ट एंट्री होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगा, और करेक्ट और आप लोग को प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जो 1470 उसके बाद देखिए 1462 दिख रहा है, 1458, 1452। तो इधर से इसका जो 1 डे का जो है, वो आप लोग 7 दिन 5 दिन का हिसाब से एक बार भी देख लिख सकता है। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट मिलने का, मतलब प्रॉफिट करने का मौका मिल जाएगा इधर से। तो मैंने और भी एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो सोच लीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्रासिम को देख लेते हैं। ग्रासिम का हाई लो आप लोग इधर से देख सकते हैं, 795.80 इसका हाई था, 795.40 में ये ओपन हुआ था। तो मतलब ये ऊपर आप लोग देख नहीं पाता था, मैंने ये मार्केट खत्म होने के बाद दिखाता हूँ। लेकिन आप लोग को जब मार्केट जब लाइव मार्केट में आप लोग को बाई साइड सेल साइड दोनों साइड में ही देखना चाहिए। देखिए 767 इसका बाई का एंट्री लेवल था, लेकिन 795 के ऊपर तो गया नहीं पाया, तो इसके साथ आप लोग सेल लेवल देखना चाहिए था। तो सेल लेवल देखिए इधर 738 तक, 738 से सेल लेवल था 7 डेज का हिसाब से, और इधर 5 डेज का हिसाब से भी 738, और इधर 2 डेज का 3 डेज का हिसाब से 743, 2 डेज का हिसाब से 743। आप लोग जितना नज़दीक ले सकता है ऊपर से या नीचे से बाई से लेवल करता है उसने ही आप लोग को अच्छा है। 744 से ये एंट्री लेवल था, और इधर 752 से इसका एंट्री लेवल ले सकते थे, और 1 डेज का हिसाब से। मैंने गलत ये कॉल किया, ये 1 डेज का आज से जो सब करेक्ट कर लिया, कल कुछ फाइल में थोड़ा सा गलत था। तो इधर देखते हैं 752 से आप लोग एंट्री ले सकते थे। तो देखिए इधर 748 के नीचे ये आ गया था, पहले ही तो आ गया था 741 तक, उसके बाद ये 739, इसके बाद ये देखिए आप लोग को इधर स्टॉप लॉस नहीं रखते थे आप लोग 752 में जब एंट्री लेते थे, तो कितना आप लोग 748 में इसका एटलीस्ट तो 4-5 पॉइंट को 700 का जो स्टॉक साइड एटलीस्ट इसका आप लोग को 4-5 पॉइंट तो स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए था। तो ये जब आप लोग एंट्री लेते थे तो पूरा नीचे आता था, और आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते थे तो आप लोग को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखा सकता है। तो ठीक है, देखते हैं आप लोग आज का जो बाई सेल लेवल है, आप लोग को कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह जो पिछले वाला वीडियो में देखा दिया था, इसीलिए फिबोनाची लेवल बाकी रह गया था, उसीलिए इसी को आज दिखा दिया। तो इधर देखिए टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 4 आप लोग देख सकता है। इधर गैप अप कर बाई सेल लेवल 1 है, ये टारगेट 1 बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद बाई सेल लेवल 2 आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझने से अच्छा रहेगा। बाई सेल लेवल 3 है, ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये बोलिंजर बैंड का आप